Hello everyone. Yesterday I gave some problem. कल हमने आप लोगों को क्या दिया था, कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो उसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, और समझ भी लीजिए जिसको ना आए, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला प्रॉब्लम क्या था, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रजेंट इन दी आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, मतलब जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करनी है, जिसमें से आपको हमने थ्री प्रॉब्लम दिए थे, 1, 2 and 3। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो पहला आप सॉल्व करेंगे, देखिए पहला क्या है, 0.02856 × 298.15 × 0.112 होल अपॉन 0.5785। देखिए तो इसमें जो लीस्ट है, जो सबसे कम क्वांटिटी का नंबर है वो क्या है, ये नंबर है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग लीस्ट लीफ नंबर ऑफ कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन में जो लीफ नंबर हो कितना है, 0.112, सबसे छोटा नंबर यही है, इसी को हम लीस्ट कहेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 and 3, थ्री डिजिट्स हैं, तो यही जो थ्री डिजिट है वो आपका यही क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था, जो सबसे छोटा नंबर था उसको पकड़ना था, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो देख लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। देन अब सेकंड में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, 5 × 5.364 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका नंबर है जैसे 5.364 है और ये 5 है, तो इसमें देख लेते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 आपको लेना है। तो अब इसमें जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए तो यही आपका टोटल आंसर आ जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4, ये आंसर हो गया आपका। देन लास्ट का देखते हैं, लास्ट में क्या है, हम जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं सब में क्या है, डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सब में क्या है, सब नंबर में 4 ही है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सॉल्व हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमको पूरा क्या हो जाएगा, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या रहा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो आपके आंसर आएंगे, बस उसी में आपको बताना है, बाकी ज़रूरी नहीं कि हम सॉल्व ही करें। अब जैसे पहला क्वेश्चन ये था, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है ना। बट हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर लीफ नंबर है उसी को पकड़ लेंगे, और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको पकड़ लेंगे। तो जैसे 0.112 है, इसमें 3 है, तो 3 आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। देन आपका क्या है, 5.364 है, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 है, तो 4 हो गया आंसर। और फिर लास्ट में आपका ये नंबर हो गया, इसमें भी 4 है, तो 4 आप कह दीजिए, ठीक है। देन देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, दूसरा क्या करना है, राउंड अप द फॉलोइंग, मतलब क्या करना है आपको, राउंड करना है, ठीक है। और कितने पे राउंड करना है, 3 पे, मतलब जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको 3 पे ही आपको राउंड करना है। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, पहला नंबर हम पकड़ ले रहे हैं, पहले की अगर हम बात करते हैं तो 34.216 है, थ्री डिजिट्स, मतलब 1, 2 and 3, इतने डिजिट्स आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रूल है, रूल ये है कि जैसे 3 तक लेना, अगर 3 के बाद, मतलब मीन्स फोर्थ टर्म या 4 डिजिट,
जो फोर्थ वाले प्लेस पे डिजिट है, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम एक ऐड कर देंगे उसके पहले वाले में, अगर ऐसा नहीं होता तो डायरेक्ट छोड़ देंगे। तो बात करते हैं, जैसे ये 1 क्या है, 5 से क्या है, स्मॉल है, तो अब हम लोग इसको छोड़ देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34.2। ठीक है, जो 34.2 है आपका, यही आंसर हो गया, 3 डिजिट तक था तो 3 डिजिट हो गया। देन देखते हैं दूसरे पे, दूसरे की अगर बात करें हम, तो अब देखिए 1 2 3 आपको यहीं तक लेना है। अब ये 1 स्मॉल है 5 से, तो आप इसको आप छोड़ देंगे 1, ठीक है ना, तो छोड़ देते हैं। अब जब इसको आप छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, 10.4, ये आपका आंसर हो गया। कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 एंड 3 हो गए हैं। ठीक है, देन देखिए अभी ये जो लास्ट थर्ड वाला है, थर्ड में क्या है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 हमको यहीं तक लेना है, इतने डिजिट चाहिए अपने को। ठीक है, अब इतने डिजिट पाने के लिए देखिए ये क्या है, 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो जब 5 से ग्रेटर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और इसको रिमूव कर देंगे तो इसमें एक 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, तो जब आप ऐड कर देंगे 0.045 की जगह क्या लिख देंगे हम, 6 लेंगे और ये 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देन लास्ट में क्या है, थर्ड तक लेना है 1 2 3 4, 4 डिजिट है हमको लेना है, 3 डिजिट ही, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 तक है, तो देखिए ये 5 से ग्रेटर है, 5 से ज़्यादा है, तो ये छूट जाएगा और इससे पहले एक जोड़ देंगे, तो 2 8 और 0 में 1 ऐड करेंगे, 1 हो गया, और ये 0 कर देंगे, ये आपका हो गया 3 डिजिट तक, ये आंसर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर, एंड आपको ये क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।